श्री फतेहगढ़ साहिब हल्के दे कांग्रसी उम्मीदवार कुलजीत सिंह नागरा दे हक विच पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते केजरीवाल ते जम के रगड़े लगाउंदे होए कहा कि मोदी अते केजरीवाल दोवें ही पंजाब दे लोकां नूं लुटना चाहुंदे ने, जदके पंजाब दे लोक इन्हां ते भरोसा नहीं करनगे। राहुल गांधी ने कहा कि अज इन्हां लोकां नूं पंजाब विच नशा दिख रहा है, जदकि 2014 विच मैं पंजाब दे नौजवानां नूं नशे तों बचाउण लई इक आवाज उठाई सी, पर इन्हां वल्लों कोई भी पंजाब दे लोगों लई उपराला नहीं किया गया। तो अज जदों पंजाब विच चोणां दा माहौल है तो ये लोग सियासत नूं पखाउण लई नशा खत्म करन दी गल कर रहे ने। आम आदमी पार्टी की गलबात करदिआं राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों तो एक मौका मंग के पंजाब दे लोगों ते तजर्बा आजमाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी तो पुछना चाहता हाँ कि पंजाब दे लोग तुहाडी आजमाइश लई नहीं ने, सगों पंजाब दे लोगों का इतिहास कुरबानियां भरिया है, तो पंजाब दे लोग इस आम आदमी पार्टी नहीं अपनाउणगे। हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठी है और जब यहां से आवाज उठी है तो फिर उस अन्याय करने वाले का अंत होके रहा है। राहुल जी, आज भी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज आप इस पवित्र धरती पे आए हो, यहां से जो मांग के लेके जाओगे, जो कह दोगे, वो आने वाले समय में सच हो जाएगा और आप जैसा सच्चा सुच्चा इंसान, आप जैसा सच्चा सुच्चा इंसान और आप जैसा व्यक्ति जो असूलों की राजनीति करता है उसके लिए यह धरती से आशीर्वाद जरूर मिलता है। राहुल जी, यह सैलाब, यह जन समूह आपके सामने 5 साल की सरकार के बाद का है, 5 साल की सरकार के बाद का है। राहुल जी, आपने मेरे को यहां भेजा फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती को, आज एक यहां पे बात चलती है कि पिछले 50 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना इस 5 साल में हुआ है। और मैं कहूंगा संगत नूं कहूंगा कि मैं जकारा छड़ूंगा जे गल सच है तो अपने झंडे खड़े करके तुसी सबूत दो, बोले सोनियाल। राहुल जी, एक आपने जब आपने मेरे को टिकट दी थी, आपने मेरे को कहा था, राहुल जी मैनू तुसी कहा सी के कुलजीत नागरा अगर राजनीति में तेरी मेरे को कोई करप्शन की शिकायत आ गई, गगन एक मिनट, राहुल जी आपने मेरे को कहा था कुलजीत नागरा अगर तेरी मेरे को कोई करप्शन की शिकायत आ गई तो मेरे दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। राहुल जी, ये बैठे हैं लोग हजारों की तादाद में और आपने मेरे को पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेशों में प्रभाव दे के रखा, अगर एक भी शिकायत कुलजीत नागरा की, 2 नंबर के धंधे की, करप्शन की, या कहीं पे बिकने की आई हो तो राहुल जी मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये लोग बैठे हैं इस बात का सबूत कि ईमानदारी के साथ पंजाब की सरकार में 5 साल काम किया है। और राहुल जी, ये टीम है,
यहां पे सरपंच बैठे हैं, सरपंच बैठे ने, ब्लॉक समिति मेंबर बैठे ने, जिला परिषद मेंबर बैठे ने, इतने म्यूनिसिपल काउंसलर बैठे ने, कांग्रेस पार्टी दे दर्जा बदर्जा लीडर बैठे ने। राहुल जी फतेहगढ़ साहब दी इको ही पहचान है और वो पहचान है ईमानदारी, 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 ईमानदारी। और राहुल जी अगर इतना विकास हुआ है तो ये विकास इसीलिए हुआ है कि जितनी ग्रांट, जितनी ग्रांट साडे सरपंचां कोल पंजाब सरकार ने भेजी, उन्होंने एक रुपये का एक रुपया पांच पैसे करके लाया और अज पिंडां दे विच, शहर दे विच अज पूरा विकास मुंह बोल रहा है। साथियों इस विकास तो बाद अगला काम तुसी अपना आशीर्वाद दो 20 तारीख नूं। अजय तां राहुल जी पूरे पंजाब की सरकार ने एक सर्वे और डाटा निकाला जिसमें ये निकला कि अगर पंजाब में सबसे ज्यादा कहीं विकास हुआ है, विकास का पैसा लगा है, तो वो ये धरती श्री फतेहगढ़ साहब है एक नंबर पे। और साथ राहुल जी आने वाले समय में साथियों आने वाले समय ए तू भी वधिया है, तुसी अपने इस पुत नू, इस भरा नू ताकत दे के भेजो। राहुल गांधी जी उस ताकत में 10 गुना ताकत डाल के तुहाडे कोल वापस भेजणगे। बोले सोनिहाल। और आने वाला समा, आने वाला समा एक गल याद रखियो के थोड़ी ताकत दित्ती होई दा आने वाला समा पंजाब ते हिंदुस्तान दी राजनीति दे विच फतेहगढ़ साहब दी इस पवित्र धरती दा नां चन्न तारियां दे विच स्थापित कर दूगा। और साथियों मैं आखिर दे विच तुहानू यही कहना चाहना कि इलाके दा जिहड़ा ये विकास होया है, मैं थोनू दसना चाहना है कि विकास दी ओ पिक्चर जेड़ी बनाई हुई है आपने उस पिक्चर दा अजे ए छोटा जा ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी। सो साथियों ओ पिक्चर अगले 5 सालां दे विच दिखावांगे। और मैं इत्थे ही अपनी गल नूं विराम दिंदा होया श्री राहुल गांधी जी दा समुची लीडरशिप जिहड़ी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तो इत्थे आई है और तुहाडा सारिआं दा कोटन कोट धन्नवाद करदा हां। और परम पिता परमात्मा अग्गे अरदास करदा हां और थोड़े राहुल जी तुहाडे अगे ते संगत दे अगे अज मैं फिर तुहाडे अगे अपनी सहुं दरौना के सच्चे पातशाह ओ परवरदगार ओ रब्बा कुलजीत सिंह नागरा दी चौली दे विच
इस पवित्र धरती फतेहगढ़ साहब की जित की सेवा पादे ईमानदारी ते दृढ़ता दे नाल हक सच की लड़ाई लड़ता होया इस पवित्र धरती का पंजाब का पूरे हिंदुस्तान का ईमानदारी दे नाल सेवा करूंगा विकास कराऊंगा और एक अरदास करदा है के सच्चे पातशाह मैनू चोर डाकू लुटेरा ना बनाई चोर डाकू लुटेरा ना बनाई भी नाल आशीर्वाद दई बहुत बहुत धन्यवाद। कुलजीत सिंह नागरा जी स्टेज पे वरिष्ठ नेता पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इस पवित्र धरती पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही। चुनाव है सब पार्टियां अलग अलग वायदे कर रही हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए कहते हैं अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो हम ड्रग्स से लड़ने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। पहली बात बीजेपी चुनाव नहीं जीतने वाली। दूसरी बात ये ड्रग्स की बात आप आज क्यों कर रहे हो। ये जब मैंने 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था तो आप कहां थे, आपके पार्टी के नेता कहां थे, अकाली दल के नेता कहां थे। 2013 में मैंने ड्रग्स की बात कही, कहा कि सबसे बड़ा खतरा पंजाब के सामने ड्रग्स है, पंजाब के युवाओं के सामने सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है। अकाली दल के नेताओं ने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहा है, बीजेपी के नेताओं ने कहा राहुल गांधी गलत बोल रहा है, लोगों को डरा रहा है। और आज आकर कहते हैं ड्रग्स के खिलाफ हम इंस्टीट्यूट खोलेंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल जी, भाइयों और बहनों, राहुल गांधी ने मजीठिया से माफी मांगी क्या? मैंने कि हाथ जोड़े उसके सामने, मैंने तो नहीं किया, चन्नी जी ने नहीं किया, सिद्धू जी ने नहीं किया, केजरीवाल जी ने हाथ जोड़कर मजीठिया से माफी मांगी। एक तरफ कहते हम ड्रग्स के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। कार्रवाई किसने की? कार्रवाई कांग्रेस ने की। अब ये लोग आते हैं कहते हैं ड्रग्स के खिलाफ हम लड़ेंगे। ड्रग्स की बात मैंने उठाई कोरोना के समय, पार्लियामेंट हाउस के सामने एक बार नहीं अनेक बार मैंने कहा कोरोना से लाखों लोग मरने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार को, दिल्ली की सरकार को तैयार होना चाहिए। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने 2013 में मेरा मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है, बीजेपी के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। मैंने कहा तैयारी करो, उल्टी सीधी बात मत करो, तैयारी करो, अस्पतालों को तैयार करो, वेंटिलेटर्स निकालो, ऑक्सीजन के सिलेंडर तैयार करो, लोग मरने जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाओ।
केजरीवाल जी कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक है। आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक तैयार किया। पहली बात, मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। नतीजा आपने देखा, पहले मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ, उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ लाइट जलाओ, थाली बजाओ लाइट जलाओ। हुआ क्या, लाखों लोग मरे, गुजरात में मरे, दिल्ली में लाइन लगी थी सड़कों पे, चिल्ला चिल्ला कर लोग मरे, बिना ऑक्सीजन बिना वेंटिलेटर। कहां गए आपके मोहल्ला क्लिनिक, कहां गए आपके डॉक्टर, कहां गई आपकी पॉलिसी? अब आप पंजाब आते हो, कहते हो एक मौका दो, ये लैब नहीं है, केमिस्ट्री लैब नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना यहां खतरनाक है। मैं सोच समझ के बोलता हूं, फालतू में नहीं बोलता हूं। ड्रग्स के समय मैंने कहा ड्रग्स से लड़ना है, खतरा है। कोरोना के समय मैंने कहा देश के सामने खतरा है, सोच समझ के बोला। गुरु नानक देव जी ये कहते थे, सोच समझ के बोलो और झूठ मत बोलो। और आज मैं आपको कह रहा हूं, पंजाब एक्सपेरिमेंट करने का प्रदेश नहीं है। अगर यहां शांति चली गई, अगर यहां नफरत फैल गई, हिंसा शुरू हो गई, तो रोजगार का कोई मतलब नहीं, विकास का कोई मतलब नहीं, प्रगति का कोई मतलब नहीं। मेरी बात याद रखिए, ड्रग्स के बारे में कहा सही निकला, कोरोना के बारे में कहा सही निकला, पंजाब के बारे में कह रहा हूं याद रखो। और यह भी पहचानो कि नेता के पीछे कौन सी शक्ति छुपी हुई है। हम यहां आते हैं, आप यह मत सोचो कि एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति नहीं है, इस व्यक्ति के पीछे दूसरी शक्तियां हैं, दूसरी ताकतें हैं। आप पहचानने का काम करो। मैं यहां के कुछ भी कह सकता हूं, मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा, सही बोला। अब अगर किसानों की शक्ति नरेंद्र मोदी जी के पीछे होती तो फिर 1 साल के लिए किसान सड़क पे क्यों खड़ा है, उसको क्या हो गया? कोरोना में सर्दी में 700 किसान क्यों शहीद हुए अगर नरेंद्र मोदी के पीछे उनकी शक्ति है? नरेंद्र मोदी जी के शब्द खोखले हैं, हिंदुस्तान का कोई भी किसान उनके पीछे नहीं खड़ा,
किसान सड़क पे उनके सामने, उनके पीछे दूसरी शक्ति है, हिंदुस्तान के अरबपतियों की शक्ति है, दो तीन उद्योगपतियों की शक्ति है। नरेंद्र मोदी किसान से छीन कर अरबपतियों को देना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, शब्दों को सुनो, नेता की बात सुनो, मगर उसके कर्म भी देखो, वो कर क्या रहा है उसे भी पहचानो। नेता कहता है किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा और दूसरी तरफ तीन कानून लागू कर देता है। और भाइयों और बहनों, ये जो शक्तियां होती हैं, इनमें से ऐसी शक्तियां होती है जो आगे होती है। राहुल गांधी ने किसानों की आमदनी की बात की, भट्टा परसोल में राहुल गांधी कहां था जब वहां आंदोलन चल रहा था? राहुल गांधी कहां था किसानों के साथ जब जमीन अधिकरण बिल की बात आई? राहुल गांधी किस तरफ था? जमीन छीनने की कोशिश कर रहा था या किसानों को सही दाम देने की कोशिश कर रहा था? तो आप पहचान सकते हो। मैं यहां कुछ भी बोल दूं, आप पहचान सकते हो कि इस व्यक्ति के पीछे किसानों की शक्ति है, क्योंकि इस व्यक्ति के सामने किसान नहीं खड़ा, इस व्यक्ति के साथ किसान खड़ा है। अब देखिए, अब चलिए केजरीवाल जी के पास, और मैं साफ बात करता हूं, गुरु नानक जी ने सिखाया है। मैं आपसे पूछता हूं, केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्ति छुपी हुई है? कौन सी शक्ति छुपी हुई है केजरीवाल जी के पीछे? भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मर जाएगा, मगर आतंकवादी के घर में नहीं सो पाएगा। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। केजरीवाल जी को पंजाब की जनता को समझाना पड़ेगा कि वो एक आतंकवादी के घर में क्यों गए। स्टेज से कुछ भी कह सकते हैं, एक मौका दो, किसको मौका देना है, कौन सी शक्ति को मौका देना चाहते हैं केजरीवाल जी? कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जी के साथ फाउंड किया, फाउंडिंग मेंबर हैं। कुछ दिन पहले कुमार विश्वास जी ने बयान दिया, वीडियो वायरल है पूरे पंजाब में, देख सकते हैं आप उसको। कुमार विश्वास जी ने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी को बाहर आकर हां या ना का जवाब देना चाहिए, उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें पंजाब को सीधा बताना चाहिए कि कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ। छुपने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आइए, पंजाब को बोलिए, और लंबे भाषणों की जरूरत नहीं है। हम एक शब्द सुनना चाहते हैं, एक शब्द, हां या ना।
पंजाब आपसे यह सवाल पूछ रहा है, केजरीवाल जी आपके पीछे कौन सी शक्ति है? पंजाब को बताइए सच या झूठ। यह जो आरोप लगा है, यह जो आरोप आपके पार्टी के फाउंडर ने लगाया है, यह सच है या झूठ? पंजाब को बताइए। भाई और बहनों, पहचानो चन्नी जी के पीछे कौन सी शक्ति है। चन्नी जी के पीछे पंजाब के गरीब लोगों की शक्ति है। मोदी जी ने, और देखिए मैं ऐसे नहीं बोलता, मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको कहा देखिए, मोदी जी ने कहा था किसानों की मदद करूंगा, नहीं किया, सबसे बड़े उद्योगपतियों की मदद की। अब मैं चन्नी जी के बारे में बताता हूं। अमरिंदर सिंह जी थे चीफ मिनिस्टर, मैंने उनसे कहा अमरिंदर सिंह जी आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, मैं चाहता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पंजाब के गरीब लोगों के लिए बिजली का बिल माफ कर दिया जाए। पंजाब का हर एक किसान चाहता है कि बिजली का रेट कम कर दिया जाए। आप जानना चाहते हो अमरिंदर सिंह जी को क्यों हटाया गया, मैं आपको बता देता हूं, अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूं। अमरिंदर सिंह जी को इसलिए हटाया गया क्योंकि अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के गरीबों की बिजली को माफ नहीं किया, इसलिए अमरिंदर सिंह को हटाया गया। और यह कोई गलत काम नहीं था भाइयों और बहनों, यह सही काम था। और यही बात मैंने चन्नी जी से कही, अमरिंदर सिंह जी ने मुझे कहा राहुल हम बिजली का बिल माफ नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हमारा तो बिजली के कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने सोचा भैया आपका बिजली की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या पंजाब की जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप किसके किसके चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब की जनता के चीफ मिनिस्टर हो। मैं चन्नी जी के पास गया, वही बात जो अमरिंदर सिंह जी से मैंने की, वही लाइन मैंने चन्नी जी को कहा, चन्नी जी पंजाब के गरीब लोगों को कष्ट हो रहा है, बिजली बिल माफ कीजिए, पावर के रेट कम कीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए, पानी का रेट कम कीजिए। चन्नी जी ने यह नहीं कहा कि पावर कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, चन्नी जी ने यह नहीं कहा चन्नी जी ने कहा मैं चेक करता हूं, मैं चेक करता हूं, दो तीन दिन में मैं आपको बता दूंगा। दो दिन में फोन कॉल आता है और चन्नी जी कहते हैं राहुल जी हमने चेक किया, पंजाब का चीफ मिनिस्टर पंजाब के गरीब लोगों का, पंजाब के किसानों का 1500 करोड़ रुपए माफ कर वापस दे रहा है। मैंने सोचा ये सही आदमी है, मैंने सोचा ये जो है ना ये काम का आदमी है। वहां नहीं रुके, कहते हैं 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल का कम किया जा सकता है, 5 रुपए पर लीटर डीजल का कम किया जा सकता है और पानी का भी काम कर किया जा सकता है। मैंने कहा ये जो है ना
ये जो व्यक्ति है ये पंजाब के काम का व्यक्ति है, ये पंजाब को बदल सकता है। देखिए मेरा भी एक लक्ष्य है, मैं आपको बता देता हूं। पंजाब में तीन मोनोपोली हैं, तीन ठेके लगे हुए हैं। कौन से? बस का, केबल का, रेत का, ये तीन ठेके लगे हैं। मैं इन ठेकों को तोड़ना चाहता हूं, इनको चूरा करना चाहता हूं। और ये बात मैंने चन्नीजो को कहा, देखिए आपने बिजली का बिल कम किया, आपने पानी का काम किया, आपने पेट्रोल डीजल का काम किया, मगर ये जो है ना, ये जो 400 रुपए का केबल की मोनोपोली है, ये जो रेत की मोनोपोली है, ये जो बस की मोनोपोली है, इसको आप खत्म कीजिए। तो होगा क्या, मैं बताता हूं, होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। पंजाब की जनता एक गरीब घर के व्यक्ति को, जो गरीबी को समझता है, जो गरीबी की के दर्द को समझता है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाने जा रही है। और फिर बस की मोनोपोली को तोड़ा जाएगा, युवाओं को बस चलाने का परमिट दिया जाएगा, केबल की मोनोपोली तोड़ी जाएगी, 400 रुपए से उसका रेट 200 रुपए तक किया जाएगा, और रेत की मोनोपोली तोड़ी जाएगी और एक ट्रॉली आपको 1200 रुपए की रेट हम कर देंगे। अच्छा, हमारे यहां कार्यकर्ता है, देखो नेता की जगह होती है, एमएलए की जगह होती है, नागराजी की जगह होती है, इनके बारे में भी मैं थोड़ा बोलूंगा, जरूरी बात है, मगर नेता की जगह होती है, मगर मेरे लिए पहले नंबर पे पता है किसकी, कांग्रेस पार्टी में पहले नंबर पे पता है किसकी जगह है, ये जो हमारा बब्बर शेर है ना, ये एक कार्यकर्ता जो मतलब 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ता है। आप किसी भी पार्टी को देख लो, पंजाब की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कितने कार्यकर्ता शहीद हुए, क्यों? पंजाब की रक्षा करते हुए, पंजाब में शांति लाते हुए हमारे कितने लोग शहीद हुए। तो हम क्या करेंगे, चुनाव के बाद बोर्ड कॉरपोरेशन सरकार के पास होते हैं, आमतौर से क्या होता है, एमएलए के रिश्तेदारों को दिया जाता है, एमएलए अपना दबाव बनाता है, रिश्तेदार को दे देता है, भाई को दे देता है, ना चुनाव के बाद लिस्ट बनेगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, उसमें मैं आपको कहता हूं उसमें एमएलए का कोई नाम नहीं होगा, एमएलए के परिवार का कोई नाम नहीं होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर है ना, कार्यकर्ता हैं, उनकी लिस्ट होगी, क्योंकि आप हमें चुनाव जिताने जा रहे हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आपके अंदर, आपके डीएनए में पंजाब है, हिंदुस्तान है। जैसे केजरीवाल जी जाके मजीठिया से माफी मांगते हैं, अब मर जाओगे मगर नहीं कर सकते, जैसे केजरीवाल जी जाके आतंकवादी के घर में सोते हैं, अब मर जाओगे नहीं कर सकते, और अगर शांति चली जाएगी भाई और बहनों,
तो पंजाब में हमारे पास किसी के पास कुछ नहीं बचेगा, ना रोजगार, ना बिजली, ना पानी, सिर्फ दुख और दर्द, सिर्फ दुख और दर्द बचेगा, कुछ नहीं और। और अब निकले हो उस रास्ते से, पूरा पंजाब निकला है। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी में और झाड़ू में। झूठे वायदे नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, मोदी जी माफी मांगते हैं किसानों से, एक साल बाद आपने माफी मांगी, क्या मतलब है इसका? आपने जाके बात तक नहीं की उनसे, क्या आपको एक साल लग गया? देश के आप प्रधानमंत्री हैं, देश के सब किसान बाहर खड़े हैं ठंड में, सीधे जाके आपको वहां पे बात करनी थी, गले लगना था, कहना था ठीक है भैया क्या बात है, किसान प्यार से आपसे बात करते, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर नहीं, घमंड है, अहंकार है, एक साल आपने उनकी बात नहीं सुनी। मैं आपको लिख के दे देता हूं, सबसे पहले मनमोहन सिंह जी होते जो पंजाब ने हमें दिए, देश को दिए, सबसे पहले ऐसे कानून ही नहीं आते। मगर मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं, अगर मनमोहन सिंह जी होते और किसी भी कारण हिंदुस्तान का किसान सड़क पे होता तो दो दिन के अंदर मनमोहन सिंह जी जाकर उनसे गले लग जाते और उनसे पूछते, और उनसे पूछते, भाइयों क्या बात है बताओ। हमारे साथ हुआ है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। किसान हमारे पास आए, यूपीए सरकार थी, किसान आए और कहते हैं मेरे ऑफिस में आए, प्रधानमंत्री के यहां आए, सोनिया जी के वहां यहां गए और हमसे किसानों ने कहा देखिए बड़ा बोझ है हमारे कंधों पे, बहुत बड़ा बोझ है, आप कर्जा माफ कर दीजिए। भाइयों और बहनों, 10 दिन लगे थे, 10 दिन के अंदर 70,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने माफ कर दिया। किसान सड़कों में नहीं थे, सर्दी में नहीं खड़े थे, किसान नाच रहे थे, खुशी से नाच रहे थे। यह प्रधानमंत्री का काम होता है। कांग्रेस पार्टी ना माफी मांगती है और काम करती है तो सोच समझ के, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करती है। हमारे प्रेस के मित्र यहां हैं, मैंने आज आपसे कहा, शुरुआत में कहा हमारे लिए शांति सबसे जरूरी चीज है, इससे जरूरी पंजाब के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा ड्रग्स के समय, मैंने आपको बताया, कोरोना के समय मैंने बोला, और आज मैंने फिर से आपको बोला कि पंजाब के सामने खतरा है, छुपी हुई शक्तियां आम आदमी पार्टी की मदद कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर ने कहा है कि ये शक्तियां आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी से जुड़ी हैं। वीडियो में कहा है केजरीवाल जी को बाहर आना चाहिए, प्रेस के सामने आना चाहिए और सीधा, लंबे भाषण की जरूरत नहीं, एक शब्द, हां या ना। कुमार विश्वास सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, हां या ना। केजरीवाल जी डरिए मत, बाहर आइए, पंजाब और देश को बताइए। अब नागराजी की बात,
लंबी बात की जरूरत नहीं, इसकी रक्षा करना मेरा काम है। ये देखिए, लीडर को राजनीति में लीडर को डेवलप किया जाता है, एक दिन में नहीं बनता। बहुत सारे युवा आते हैं, कहते हैं भैया मैं नेता बनना चाहता हूं, लीडर बनना चाहता हूं। लीडर ऐसे नहीं बनता, लीडर घिस पिट के बनता है। मैं अपनी बात बताता हूं आपको, 2014 के बाद हम चुनाव हारे। जितना मैं 2014 के बाद सीखा हूं, मैं 2014 से पहले सीखा ही नहीं। बीजेपी लोग के लोग आते हैं, आरएसएस के लोग आते हैं, मुझ पर आक्रमण करते हैं, उल्टी सीधी बात बोलते हैं, इधर से अंदर घुसती है, उधर से बाहर निकल जाती है, फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिमाग में क्लैरिटी आती है, मेरा काम क्या है। बिना लड़े, बिना चोट लगे, और सिर्फ नेता की बात नहीं कर रहा हूं, आप कुछ भी काम करना चाहो, आप क्या करते हो, क्या करते हो आप? आप किसान हो, बिना मेहनत के, बिना चोट के, बिना थोड़ा सा मतलब हाथों में दर्द के, आप किसानी नहीं सीख सकते। सही बात है। और ये सब चीजों में ये 6 महीने काम नहीं होता। नागराज जी इसके साथ कितने कितने साल काम चल रहा है? नागराज जी हमारे साथ कितने साल हो गए? 2004 से, 2000 नहीं, 2000 में आप आए, 2004 में आपने मेरे साथ काम शुरू किया। 2004 में कहां कहां घूमे आप? कहां कहां घूमे? त्रिपुरा गए, नागालैंड गए, केरला गए, मैं आपको बताता हूं, मार भी खाई है, चोट लगी है, आप सबने खाए हो, खाई है। आप कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हो, कैसे नहीं खाओगे? तो ये लीडर डेवलप हो रहा है, आपको इसकी मदद करनी है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, आपकी इसकी मदद करनी है। क्यों? मैं आपको बता देता हूं, इसका दिल साफ है, यह इमोशनल आदमी है, यह इमोशनल आदमी है, मगर यह जनता का आदमी है, इसका दिल साफ है। तो इसको आप जिताइए, और इसकी जो डेवलपमेंट चल रही है, जो तेजी से डेवलपमेंट चल रही है, इसको आप और तेज, इसको थोड़ा आप धक्का दीजिए, ये आपके लिए दिल से ईमानदारी से काम करेगा। मुझे आज यहां, मैंने आज कहा, शुरुआत में कहा कि पवित्र धरती पे आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपसे, पंजाब से, आपके गुरुओं से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। मैंने बोला राजनीति में सच्चाई, सोच समझ के एक्शन लेना, यह रास्ता आपके गुरु नानक जी ने, बाकी जो आपके गुरु थे, उन्होंने हमें सिखाया है। कुर्बानी कैसे दी जाती है, लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाती है, अहंकार से क्या नुकसान होता है, यह सब आपके गुरुओं ने हिंदुस्तान को दिया है। यह एक प्रकार से पंजाब हिंदुस्तान की आत्मा है, ये आप हिंदुस्तान की रक्षा करते हो, सदियों से आपका रोल रहा है कि हिंदुस्तान की रक्षा पंजाब करता है। आप हमें भोजन देते हो,
तो ये आपने हमें दिया है और इसके लिए दिल से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। फतेहगढ़ साहब तो बहादुर सिंह टिवाणा दी रिपोर्ट।